मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा कि सुबह का खाना 9:30-10 बजे तक, क्योंकि उस समय जठर अग्नि सबसे ज्यादा तीव्र है, और शाम का खाना 5-6 बजे तक। ये मैंने आपके हिसाब से कैलकुलेशन किया। भागवत जी ने कहा इसमें जलवायु का, मौसम का ध्यान रखना। बीच में अगर आप कहते हैं जी भूख लगी तो कुछ फल खा लें, नहीं तो अच्छी चीज भागवत जी ने जो कही है, सुबह का खाना जो 9-10 बजे खाएं, शाम का 5-6 बजे, उनको बीच में भूख लग रही है तो कहते हैं चना और गुड़ खाएं, शेंग दाना और गुड़ माने मूंगफली और गुड़ खाएं, माने उस समय आप चिक्की खाएं, क्योंकि गुड़ और चना, गुड़ और मूंगफली उसमें है। दोपहर को अगर भूख लग रही है, चिक्की आप चाहें तो अच्छी भी खा सकते हैं, माने ज्यादा भी खा सकते हैं। बस एक ही तकलीफ ध्यान में रखें कि जब चिक्की और गुड़ ज्यादा हो जाए तो थोड़ी सौंठ चाट लें या थोड़ी सौंठ खा लें तो उसका जो तासीर है वो तुरंत बदल जाता है, नहीं तो ज्यादा चिक्की खा ली तो नाक में से खून आ सकता है। तो नाक से खून ना आए, थोड़ी सौंठ या अदरक, सौंठ इस्तेमाल करते हैं तो सौंठ, नहीं तो अदरक, उसके साथ लें। फिर आगे भागवत जी कहते हैं कि आपके भोजन का आपके जो वातावरण से बहुत रिश्ता है, आप जिस वातावरण में रह रहे हैं उसका ध्यान हमेशा रखें। अब मान लीजिए आप मद्रास में रह रहे हैं तो मद्रास के आसपास का जो वातावरण है ये गर्म है, गर्म वातावरण में गेहूं नहीं हो सकता, गेहूं को होने के लिए ठंड चाहिए, तो निश्चित रूप से चेन्नई के आसपास किसी खेत में गेहूं अच्छा होगा नहीं। कोशिश करेंगे तो तब अच्छा होगा जब ठंड बढ़ जाए, क्योंकि गेहूं ठंड की फसल है, गर्मी की नहीं। गर्मी की फसल जो है वो चावल है, धान है, चावल है, बाजरा बहुत गर्मी की फसल है। ये राजस्थान में रहने वाले सब लोग जानते हैं कितनी गर्मी है राजस्थान में, और वहीं बाजरा सबसे अच्छा होता है। कच्छ में, सौराष्ट्र में कितनी गर्मी है, बाजरा सबसे अच्छा वहीं होता है। तो गर्मी की जो फसलें हैं वो धान है, बाजरा है, और जौ है, जवारी है, जवारी आप समझते हैं, ज्वार, ज्वार, तो ये सब आपके लिए अच्छे हैं। यहां चेन्नई में आप रहते हैं ना, ज्वार की रोटी खाएं, बाजरे की रोटी खाएं, गेहूं की कम ना खाएं तो भी चलेगा, जो यहां हो रहा है वो ज्यादा खाएं। अब आप बोलेंगे गर्मी में भी बाजरे की रोटी खाएं, ना खाएं क्योंकि बाजरा वैसे तो गर्म है लेकिन गर्मी में भी खाना है। मान लो आपको स्वाद है, छूट नहीं रहा है, जगह छूट गई है, स्वाद नहीं छूटता, मन हमारा अभी भी राजस्थान में है या कच्छ में है या सौराष्ट्र में, कुछ मजबूरी है कि हम यहां रह रहे हैं, अगर ये मजबूरी खत्म हो जाए तो आप सब भागेंगे यहां से। मजबूरी कैसी, कच्छ में सौराष्ट्र में इतना ही पैसा आ जाए तो आप सब चले जाएंगे, क्योंकि मन जो है ना छूटता नहीं है, स्थान से लगा रहता है, स्वाद मन के साथ जुड़ा हुआ। तो स्वाद के लिए ही अगर बाजरा खाना चाहते हैं तो बिना गुड़ के ना खाएं, यहां पर चेन्नई में गुड़ और घी के साथ बाजरे की रोटी आप खा सकते हैं, गुड़ और घी के साथ जवारी की रोटी आप खा सकते हैं, ज्यादा आप खाएं तो चावल आपके लिए, धान जो यहां होता है वो सबसे अच्छा। तो तासीर ध्यान रखें, आबो हवा का ध्यान रखें, वातावरण का ध्यान रखें, हर बनाते समय भोजन में और खाते समय भोजन में। ये कुछ सूत्र हैं जो बहुत आवश्यक हैं आपके लिए, मैं मानता हूं, और इसमें से एक सूत्र छूट गया जो बहुत आवश्यक। सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए, सुबह सुबह उठकर पहले पानी पिए, कारण मैं बता चुका हूं कि उठते ही आपके मुंह में जो लार बन रही है वो बहुत 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 कीमती है, उसकी कीमत लगा नहीं सकते आप, वो एकदम अमूल्य चीज है, वो अंदर ही जाए तो अच्छा है। तो आप उठते ही पानी पीने का नियम बनाएं। कितना पानी पिए, मैंने बताया था 18 से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको लगभग 1.5 से 2 गिलास, 60 से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको भी 1.5 से 2 गिलास, और आप जिस उम्र में हैं 18 से 60 तो कम से कम 3 गिलास। पीने का तरीका वही है, सिप 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 करके पीना, और ये सुबह का पानी अकेला पानी है जो बिना प्यास के भी पीना। आयुर्वेदिक उपचार के सभी दर्शकों को सादर वंदे। दोस्तों, यदि आपको भी भाई श्री राजीव दीक्षित जी के इन दुर्लभ व्याख्यानों से लाभ पहुंचा है तो नीचे जय श्री राजीव दीक्षित, जय गो माता, वंदे मातरम लिख सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने अपना बेसकीमती समय निकालकर भाई श्री राजीव दीक्षित जी के ये अद्भुत व्याख्यान सुने एवं इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। लेकिन दोस्तों, आज के इस समय में केवल इन व्याख्यानों को देखना या सुनना ही काफी नहीं है, इन दुर्लभ व्याख्यानों को आप अपने चित परिचित एवं दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन सभी चीजों का महत्व समझ सके एवं इनका लाभ उठा सके। इसी के साथ जय राजीव दीक्षित, जय गो माता, वंदे मातरम।